हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो आज के वीडियो में भी देखेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, नहीं है। ऑप्शन है हिंदी, नेपाली, राजस्थानी या फिर गुजराती। चलिए, आपके पास है दोस्तों 5 सेकंड और आप इसको दोस्तों टेस्ट के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं हमारे साथ। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थानी। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और ये कब दिया गया था दोस्तों, 1968 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों और इसका आंसर बताइए। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अपना मतलब निकालना। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ गया है, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? चलिए, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल भोजपुरी। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? हरि कृष्ण रतूड़ी, लीलाधर जगूड़ी, शैलेश मटियानी या फिर वीरेंद्र डंगवाल। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। शैलेश मटियानी जी को दोस्तों उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार कहा जाता है। ठीक है, और इनका पूरा नाम क्या था दोस्तों? रमेश चंद्र सिंह मटियानी। ठीक है, तो ये अभी आप याद रखना है। और ये दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं आपके लिए, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सरस्वती के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं दोस्तों, गिरा, शारदा, भारती, वीणा पाणी, बिमला, वागीस, बागेश्वरी, ज्ञानदा, हंसवाहिनी। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। और सोना के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, कंचन, धन, हिरण्य, कुंदन, जातरूप, तपनीय, संपत्ति, हाटक, हेम, महारजत, स्वर्ण। ठीक है, और इसके बाद है दोस्तों गंगा। तो गंगा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं दोस्तों, भागीरथी, सुरसरिता, विष्णुपदी, देवनदी, त्रिपदगा, सुरसरी, मंदाकिनी, जाह्नवी, अमृत गिनी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों मासर ताल को। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। ठीक है, बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों ऋषिकेश में। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखिए, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान के संस्थापक थे? बताइए, बोसी सेन, विवेक सेन, हरि कृष्ण सिंह या फिर मोहित रतूड़ी। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बोसी सेन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जौलजीबी मेला किस जनपद में लगता है? बताइए, तो ये लगता है दोस्तों कहाँ, पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रखना है। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत है? बताइए कितना है, 62 है,
65 है, 70 है या फिर 80% है, बताइए। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 70%। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रखे हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।